गाइस आज का लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वन पॉइंट टू समझाऊंगी। तो एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का जो सवाल है वो क्या है कि गिव ए इज एजिकल्स टू एफ ए सी ई एन बी इजिकल्स टू ई जी डी एफ आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल और यूनिवर्सल सेट इजिकल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ये जो हमारे पास दी हुई है ये लिस्ट दी हुई है एलिमेंट्स की ठीक है अब हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है हमारे पास जो पहला सवाल है वो इस तरह है कि ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारा पहला सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली तो हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट अब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको क्या कहा था क्या समझाया था कि ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें उससे ए कॉम्प्लीमेंट को हमें माइनस करना होगा ए से ठीक वो कैसे अब हमने यहाँ पे u माइनस ए लिखा यानी यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल को माइनस करना होगा ए से तो हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ठीक फिर माइनस का साइन ए की वैल्यूज क्या है हमारे पास एफ ए सी ई दिस इज़ यूनिवर्सल की एलिमेंट्स है और माइनस ए के एलिमेंट्स अब हमने कॉम्प्लीमेंट में क्या समझा था कि जो सेम होंगे उसको कट करेंगे तो एफ सेम है ठीक सी सेम है ए सेम है और ई e सेम है तो हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स है वो यू में सारे के सारे यूनिवर्सल में सेम है तो क्या बच गए बी डी जी तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हुआ ठीक इसी तरह हमारे पास एक और सवाल है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ ये आप अपने उससे खुद करेगा बी कॉम्प्लीमेंट का और मुझे बताएगा कमेंट में कि आपका इसका आंसर क्या है ठीक अब हमारे पास सवाल है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या करना है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है इंटरसेक्शन वाली वीडियो देखी है तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे सवाल को तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसमें ए के एलिमेंट्स निकले, निकले निकले लिखे एफ ए सी ई और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखे ई जी डी एफ तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या करना होता है कि जो सेम नंबर होते हैं वो लिखना होता है अब इसमें कौन कौन से नंबर सेम है एफ सेम है ठीक और ई e सेम है तो ये हमारे पास निकल गया ए इंटरसेक्शन बी अब एक्सरसाइज वन पॉइंट टू के जो क्वेश्चन नंबर वन है उसका मैंने आपको टू होमवर्क दिया है फोर होमवर्क दिया है फाइव होमवर्क दिया है और सिक्स होमवर्क दिया है सेवन एट मैं आपको खुद पकड़ करवाऊँगी समझाऊँगी अभी सो so गाइस मैंने आपको बोला है कि एक्सरसाइज वन पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्वेश्चन नंबर टू फोर फाइव और सिक्स आपको खुद करना है ये सेवन में आपको समझा रही हूँ सेवन में क्या है कि यू यूनियन और नल सेट तो इसका जब हमने यूनियन में क्या करना होता है सीरीज़ वाइज़ काम करना होता है तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा कि अगर हम सीरीज़ वाइज़ काम करते हैं अगर हम लाइन वाइज काम करते हैं यूनियन में और इंटरसेक्शन में हमें सेम नंबर लिखना होता है तो इसका आंसर हमारे पास यू होगा क्योंकि हमें लाइन वाइज काम करना होता है नल सेट तो इसका आंसर हमारे पास यू होगा इसका ये हमारा आंसर है ठीक है इसी तरह हमारे पास एक और सवाल दिया हुआ है एट में के यू इंटरसेक्शन नल सेट अब यूनियन में तो हमें लाइन वाइज काम करना होता है इंटरसेक्शन में हमें वो नंबर लिखना होता है जो सेम है अब इसमें कोई सेम नहीं है तो ये हमारे पास हुआ नल सेट बात समझ आई इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई नंबर सेम नहीं है तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ नल सेट इज डेट क्लियर हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हो चुका है सो so गाइस अब मैं क्वेश्चन नंबर टू करूँगी कि गिविंग द सेट्स ऑफ इक्वल्स टू द पॉजिटिव इवन इन लेस देन टेन एंड बी के एलिमेंट्स इज़ अ पॉजिटिव और इंटीगर लेस दैन टेन आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल यूजिकल्स टू इज अ पॉजिटिव इंटीगर लेस दैन टेन तो ये हमारे पास जो है ये लिस्ट है एलिमेंट्स की अब मैं आपको ये बताऊँगी कि इसमें ये जो ए है इसके एलिमेंट्स क्या क्या है तो लिस्ट इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीगर नंबर भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है ईविन और नंबर्स वगैरह सब करवा दिया है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमें लेस देन टेन तक करना है तो टू फोर सिक्स और एट ठीक अब हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास और इंटीजर्स लेस देन टेन करने हैं तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक अब हमारी बारी है यूनिवर्सल की तो यूनिवर्सल है हमारे पास इंटीजर लेस दैन टेन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक अब इसका जो पहला सवाल है वो है ए यूनियन बी और बी पे है कॉम्प्लीमेंट तो ये बहुत आसान है मेरा आप कर सकते हैं तो नाइन टेन इलेवन ये तीनों आप खुद करेगा खुद सॉल्व करेगा और मुझे कमेंट में बताएगा कि आपका आंसर क्या आया है ठीक तो मैं आज अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व समझाऊंगी सो so, मैं आप लोगों को अब ए डेल्टा बी का समझाऊंगी कि ए डेल्टा बी को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ए डेल्टा बी और ए माइनस बी के बारे में भी अच्छे से डिटेलिंग से समझा दिया था तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा और अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ ए डेल्टा बी तो जो ए की वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास होंगी टू फोर सिक्स एट डेल्टा बी की वैल्यूज़ आपके पास होंगी वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो हम इसमें भी वही करेंगे कि जो सेम होंगे उसको कट करेंगे और जो सेम नहीं होंगे उसको कट नहीं करेंगे वो हमारे पास आंसर होंगे तो आप लोगों को इसमें कुछ सेम नज़र आ रहा है टू फोर सिक्स एट तो इसमें कोई भी सेम नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ इसी तरह लिख देंगे ए डेल्टा सिस्टमेटिक एंगल तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये आपको मेरी बात क्लियर हो गई अब इसी तरीके से एक और सवाल है हमारे पास के ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ठीक मैंने आपको इस माइनस के बारे में भी अच्छे से डिटेलिंग से समझा दिया था कि ये क्या है और इसको हम कैसे कवर करेंगे तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद हमने वापस सवाल उतारा और सबसे पहले हम इसमें ये बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें उसको यूनिवर्सल से माइनस करना होगा ठीक तो यूनिवर्सल ऑफ़ बी तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास ये हमारे पास यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं माइनस और बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो जो सेम है हम उसको कट कर देंगे तो इसमें सेम कौन कौन से हैं वन थ्री फ़ाइव सेवन नाइन तो कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स बच गए टू फोर सिक्स एट ठीक ये तो हमारे पास निकल गया बी का कॉम्प्लीमेंट अब हमें ए को से माइनस करना है जो हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर रहा है तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हमने ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ए की वैल्यूज हमारे पास क्या है टू फोर सिक्स एट और b की कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ क्या है टू फोर सिक्स एट तो हमें माइनस में भी यही करना होता है कि जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उसे हम कट करेंगे तो इसमें टू फोर सिक्स फोर सिक्स एट सब वैल्यूज़ सेम है तो हमारे पास इसका आंसर आएगा नल सेट तो इस टेट क्लियर आपको मेरी ये वाली ये वाली बात समझ आई कि हमने इसमें क्या किया है तो गाइस इसका 14 और फिफ्टीन भी आपके लिए होमवर्क है तो इसको आप लोग सवाल को ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या आया है अगर कोई भी चीज़ में मसला हो रहा हो कोई भी क्वेश्चन में मसला हो रहा हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो चीज़ अच्छे से डिटेलिंग से समझा दूँगी तो गाइज़ यहाँ मेरा लेक्चर मैं यहाँ पे अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि हमारी एक्सरसाइज वन पॉइंट टू खत्म हो चुकी है अब मैं ताला आप लोगों को न्यू वीडियो में आप लोगों को न्यू टॉपिक ऑर्डर पेयर्स और, और कार्टिस प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स को अच्छे से कवर करवाऊँगी अच्छे से उसको समझाऊँगी ताकि क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट थ्री है उसमें ये सब कुछ ही है तो सबसे पहले मैं उसको डिटेलिंग आपको समझाऊँगी फिर इनशा तल मैं आपको वन पॉइंट थ्री कवर करवाऊँगी अब इजाज़त लेती हूँ इन शाला तल मिलूँगी अपनी न्यू लेक्चर के साथ अपने न्यू टॉपिक के साथ आप सबको खुश रखिए टेक केयर अल्लाह हाफ